आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन। रोज 8 और 9 बजे के बीच में हम आपको देते हैं मौसम की जानकारी। पिछले 24 घंटों में क्या गतिविधियां रही और आने वाले 24 घंटों में क्या रहेंगी मौसम की गतिविधियां। देश भर में बने मौसमी सिस्टम, पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है और एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे अफगानिस्तान पर देखा जा सकता है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम राजस्थान और पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। पूर्व बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ जो अधिक मजबूत होगा 6 जनवरी की रात से पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करना शुरू कर देगा। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की बारिश तथा कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर व्यापक बारिश और हिमपात हुआ है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा, बहुत घना कोहरा देखा गया। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ भारी बर्फबारी भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इन राज्यों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी संभव है। दिल्ली पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश गुजरात के कुछ हिस्सों और पश्चिम और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के दिन के तापमान में 2-4 डिग्री गिरावट आएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.